सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। बैन-अल-अक़वामी समंदर में नहीं, जहाज हमारी समंदरी हुदूद में था, जमीन से गोले चलाए हमने। हमारे सुल्ताने मुअज़्ज़म को जहर दिया गया है। ये क्या कह रहे हो तबीब? जिसने आपके गले में फंदा डाला था वो अब्दुल हमीद अब बहुत जल्द मरने वाला है। ये अंगूठी आप पर बहुत जचेगी और आप तख्त पर बहुत अच्छे लगेंगे। क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि हरजल हमारे सुल्तान मुअज़्ज़म की मुखालफत में लिखता है? हमें किसी भी खबर के लिए तैयार रहना होगा। तबीब कहते हैं कि आपके बाबा को जहर दिया गया है अब्दुल कादिर। या तो आप मुआवजा अदा करेंगे या फिर अमरीकी सिफारत खाने को आला सिफारत खाने पर तरक्की देंगे। मेरे शहजादे, आप तख्त के वारिस हैं। जाए ये आपके लिए आए जनाब। जनाब हरजल, अफसोस के मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकूंगी और मैं आपके अखबार के हवाले से पेशकश कबूल करने से कासिर हूँ। मैं माजरत चाहती हूँ। उस जासूस को अब कोई मौका नहीं देंगे। तुम उसको मुझ पे छोड़ दो उस्मान। देखो कोई दखल अंदाजी मत करना। मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आप हसन को भी समझा दें। ये भी एक मसला है मेरे लिए, वो मुझे अकेले नहीं जाने देंगी। सही कहा आपने, उनकी वजह से मजबूर हो जाता हूँ मैं। यही फिक्र ध्यान हटा देती है कि खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया तो सुल्तान को क्या जवाब दूंगा मैं। आसान हमारे साथ नहीं चलेंगी। ये आसान नहीं होगा, अगर उसे मना किया तो वो हमारा पीछा करेगी। वो जिद्दी है तुम्हारी तरह। इस बार जान जाएंगी मुराद की जिद को। मलिका, अमरीकी सिफारत खाना हमारे जवाब का मुंतजर है। हम सुल्तान से ये नहीं कह सकते। जवाब नहीं दिया तो सूरत हाल बिगड़ भी सकती है। वो इस बारे में संजीदा है, जंग का खतरा लाहक है। सुल्तान मुअज़्ज़म महवे इस्तराहत हैं अब तक? जी बिल्कुल। आपने ये खबर नहीं सुनी क्या? अमरीकी जंग शुरू करने वाले हैं। महमूद अफंदी, आप लोग यकीनन मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आपके इल्म में कोई बात है लेकिन मुझसे पोशीदा रख रहे हैं।
तबीयत ठीक तो है सुल्ताने मुअज्जम की? वो ठीक नहीं है। मैं जानता था, वल्लाहे मुझे पूरा यकीन था। मैं यही बात सोच रहा था, वरना उन अमरीकियों की इतनी हिम्मत ना होती कि वो आंख उठाकर भी देखते। हमारे सुल्तान उनके सामने दीवार बन जाते। अमरीका या तो उस जहाज का हर जाना चाहता है, या फिर ये चाहता है कि उसके सिफारती दर्जे में इजाफा किया जाए। यही सरगोशियां हैं। अब हम क्या करें? दरअसल हमने यहाँ आपको मशवरा करने के लिए ही बुलाया है। इस मसले पे आप क्या कहते हैं? या अल्लाह, सोचता हूँ इस बारे में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हें अमरीकी नायब सफीर को सफीर का दर्जा दिलवाने के लिए दबाव डालना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता जनाब पारवुस, वो मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं करते। मैं चाहे जो भी मशवरा दे दूं, वो उसके खिलाफ ही फैसला करेंगे जनाब पारवुस। अब बताएं क्या कर सकता हूं मैं? तो दूसरा तरीका इख्तियार करो। मेरे ख्याल से सुल्ताना, हमें हरजाना अदा करके ये किस्सा यही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर सुल्तान मुअज्जम ने उनका ये मौजूदा सिफारती दर्जा तय किया हुआ है, तो इसके पीछे कोई वजह होगी। जुर्माना दे देते हैं हम और मसला खत्म कर देते हैं। अगर हमने हरजाना अदा किया तो उसके नतीजे क्या होंगे? कुछ नहीं होगा मेरी सुल्ताना, कुछ अरसे में ये मसला भूल चुके होंगे सब। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह उम्र दराज करे। लेकिन मेरी गुजारिश है, किसी को भी इस बात का फिलहाल इल्म न होने पाए। ये इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। अल्लाह उम्र दराज फरमाए। मालिका, महमूद आफंदी पर एतमाद करके आपने उनसे मशवरा किया, हम समझ नहीं पाए क्यों। उनके मशवरे के बरक्स फैसला करने के लिए तहसीन पाशा, महमूद आफंदी के मफाद कभी भी रियासत के हक में नहीं रहे हैं। अगर हमने हरजाना अदा किया तो इसका मतलब होगा कि गलती हमारी थी। तमाम पाशा हजरात को तलब कीजिए और सबसे इस बारे में मशवरा लीजिए। बहुत बेहतर मलिका। तहसीन पाशा, खवातीन अक्सर जज्बाती फैसले किया करती हैं, लेकिन सियासत में जज्बात का अमल दखल नहीं होता, बल्कि इरादे अहम होते हैं। इंशाल्लाह हमारे सुल्तान ही इसका फैसला करेंगे। अगर इस मसले पर हमें कोई फैसला करना पड़ा तो पाशा, हमें कोई जज्बाती कदम मत उठाने दीजिएगा। आप बेफिक्र हो जाइए मलिका। बाबा अफसरदा होंगे कि काम खत्म करके नहीं आ सके, लेकिन अब हमें देखकर खुश हो जाएंगे। जी शहजादी, शहजादी ये वक्त आपके वहाँ जाने के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन हमें बाबा से मिलना है, हमें अंदर जाने दीजिए। सुल्ताना ने मना किया है। शहजादी बाद में मिल लीजिएगा, चले चलते हैं अभी। नहीं, हमें मिलना है उनसे, यही इंतजार करेंगे हम। बाबा ये हमें अंदर नहीं आने दे रही है। शहजादी आप खामोश हो जाइए। देखे ना, हमें बाबा से मिलने नहीं दे रही है। क्योंकि आपके बाबा सो रहे हैं शहजादी। लेकिन उन्हें याद कर रहे हम। वो भी आपको बहुत याद करते हैं, लेकिन काम की वजह से आपके बाबा थक गए हैं, वो अभी आराम कर रहे हैं, बाद में मिल लीजिएगा। अच्छा फिर क्या बाबा को सिर्फ देख सकते हैं? वादा हम जरा भी शोर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आप जा सकती हैं। बाबा हमें सोने से पहले कहानी सुनाते थे, क्या उन्हें कहानी सुना सकते हम? हाँ क्यों नहीं शहजादी, अच्छी कहानी सुनाएं अपने बाबा को। आपकी आवाज़ सुनकर इन्हें अच्छा लगेगा और हो सकता है ये जल्दी जाग जाएं। एक दफा का जिक्र है, एक बहुत ही ताकतवर
और अकलमंद सुल्तान थे। वो बहुत बहुत अच्छे थे और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। एक दिन सुल्तान बीमार हो गए और उनकी बेटी उनसे मिलने उनकी आरामगाह में उन्हें कहानी सुनाने गई। आसन, आप कभी बात नहीं मानती, इसलिए जरूरी है ये सब। आज बंदरगाह आने से रोकने के लिए आपको सुलाना पड़ेगा। यहां क्या कर रहे हैं मुराद? क्या आपके जाने का वक्त हो गया है? नहीं, अभी कुछ वक्त है। आपके लिए शरबत लाया हूं, मुहिम से पहले इसको पीने से ताकत आती है। शुक्रिया। खैर, ये बताइए कि इसके बदले क्या चाहिए आपको? किसी किताब का तर्जुमा या फिर कुछ और? नहीं नहीं, इसके बदले कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस इसे आप पी लीजिए। अब मैं चलता हूं। हम जानते हैं कौन हैं आप। या तो महल से चली जाएं, या जल्द सच जान जाएंगे लोग। सुल्तान मुअज्जम आज तशरीफ नहीं लाएंगे। हर तरफ मुख्तलिफ अफवाहें फैली हुई हैं तहसीन पाशा। सुल्तान की गैर मौजूदगी हम सबके लिए परेशानी का बाइस है। हमारे सुल्तान आराम फरमा रहे हैं। आज का इजलास अमरीका के जहाज के हवाले से बुलाया गया है। पाशा हजरात, सुना है कि अमरीका ने अपनी बैरी फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया है। हम अभी जंग से निकले हैं, लेकिन फिर भी उनका भरपूर मुकाबला कर सकते हैं। उन्हें हम समंदर में डुबो देंगे। बिल्कुल डुबो देंगे पाशा इंशाल्लाह, लेकिन इस मसले को हमें मोहतात रहकर हल करना है। उनके मुतालबात क्या हैं? उनका कहना है कि या तो मुआवजा अदा किया जाए, या फिर उनके सिफारत खाने को आला सिफारत खाने का दर्जा दिया जाए। अगर हम मुआवजा अदा करते हैं तो यह तासुर जाएगा कि गलती हमारी थी, जबकि हुदूद की खिलाफ वर्जी उन्होंने की थी। उस्मान पाशा सही कह रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उनका अगला मुतालबा क्या होगा, इसलिए हमें उनके सिफारत खाने का दर्जा बढ़ाना चाहिए। पाशा, किसी को कोई एतराज है इस पर? इजलास की कार्रवाई सुल्तान मौज़म तक पहुंचा दी जाएगी। आप सब जानते हैं कि हतमी फैसला हमारे सुल्तान ही का होगा। हसन, मुराद को कहीं देखा है तुमने? कुछ देर पहले यहीं थे। कहां गया है तुम्हें मालूम है?
नहीं मालूम मुझे। मैंने हर जगह ढूंढ लिया उसे। शरबत पीजिए। बहुत शुक्रिया, वैसे भी मुझे प्यास लग रही थी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुश जायका है ये। आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा और मिल सकता है मुझे? शहजादी, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि क्या आपने फैसला कर लिया? जी, कर लिया है। तो क्या कोई ऐसी वजह है जो हमारी शादी रोकने का सबब बनी है? जी हाँ, आपसे शादी हमारे लिए नामुमकिन है। क्या मैं इसकी कोई माकूल वजह जान सकता हूं? आपसे शादी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम किसी और को चाहते हैं। क्या फैसला हुआ पाशा? इजलास में सिफारत खाने का दर्जा बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। यानी ये हमारा हतमी फैसला होगा तहसीन पाशा। क्या मुमकिन है कि ये बात सुल्तान मौज़म तक पहुंचाई जा सके? बिल्कुल नहीं। सुल्तान मौज़म की तबीयत ठीक नहीं है। क्या फैसला किया गया? वल्लाह बाहर अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिल रही। आपने ऐसा क्या सुना है? अमरीका जंग की तैयारियां शुरू कर चुका है, और अगर अमेरिका ने हमला कर दिया तो तहसीन पाशा, बरतानवी हुकूमत भी उनका पूरी तरह से साथ देगी। तहसीन पाशा, हमें अमरीकियों को उन्हीं की जबान में भरपूर जवाब देना होगा। काश हम सुल्तान मौजम से मशवरा कर सकते, लेकिन चूंकि ये मुमकिन नहीं, तो अब फैसले का इख्तियार आपके पास है बिदा सुल्तान। महमूद अफंदी, जिस बात पर तमाम पाशा हजरात मुत्तफिक हैं, वही फैसला किया जाएगा। तो फिर इस इजलास में क्या तय पाया मेरी सुल्ताना? पाशा हजरात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सिफारत खाने का दर्जा बढ़ा दिया जाए। क्या वाकई? हाँ, कम से कम किसी फैसले पर पहुंचने के काबिल तो हुए हमारे पाशा हजरात। लेकिन मेरी सुल्ताना, इस फैसले से इत्तफाक नहीं करूंगा मैं। शायद आप ये सोच रही हैं कि सारे मामले से मेरा क्या ताल्लुक है, लेकिन आखिरी बार इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करता हूँ मैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस फैसले की हिमायत मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। आपके तवील रियासती तजुर्बे ने हमारी बहुत रहनुमाई की है, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। मलिका, हमें सुल्तान मौज़म से पूछ लेना चाहिए, उनका जानना जरूरी है। ठीक है पाशा, जाते हैं हम। कैसी तबीयत है इनकी? बिगड़ते जा रही है सुल्ताना।
हम आपकी जगह फैसला कर रहे हैं मेरे सुल्तान, इंशाल्लाह हमारा फैसला दुरुस्त साबित होगा। आपकी तरफ ही आ रही थी मैं। आपने कहा था आप नहीं आएंगी। जी कहा तो था लेकिन बात पर कायम नहीं रह सकी मैं। आपकी पेशकश बरकरार है अभी? हाँ बिल्कुल। आ जाओ। कहाँ जा रहे हैं? यिल्दिज महल जा रहा हूं। अब्दुल हमीद किस हालत में है अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मैं। अपना काम कर दिया मैंने, बाकी उस पर मुनहसिर है आप। अगर वो उतना ही मजबूत है जितना नजर आता है तो ठीक होगा। फिर तुम दुआ करो मार्को कि अब्दुल हमीद तुम्हारे दिए हुए जहर से ना मरे, वरना तुम्हें भी अब्दुल हमीद के साथ इस दुनिया से जाना होगा। उस्मान, चलो उठो, चलो उठो, अब हमारे पास वक्त कम है, उठ जाओ, जाने का वक्त हो रहा है। उस्मान, उस्मान उठो, चलो उठो। ओहो, ये तो बेहोशी की नींद सोया हुआ है। उस्मान उठो, मर गए हो या जिंदा हो? ये नहीं उठने वाला, मुझे अकेले ही जाना होगा। चलता हूं मेरे दोस्त। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। क्या कहते हैं सुल्ताने मौसम? फैसला हो चुका है पाशा। वो क्या? हम महमूद आफंदी की तजवीज के बरक्स जाएंगे, अमरीकी नायब सफीर को सफीर के ओहदे पर तरक्की देंगे, लेकिन उन्हें हर जाना नहीं दिया जाएगा। यह अच्छा फैसला होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दस्तावेज तैयार करके हमारे पास ले आए। जो आपका हुक्म मलिका। तहसीन पाशा जी, कहिए मलिका। आप तो जानते हैं कि हमारे सुल्तान बगैर वजू के कभी दस्तखत नहीं करते। आप बेफिक्र हो जाइए। हसन, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? मुझे देख के काफी हैरान हो गए। उम्मीद नहीं थी ना कि उस ताकतवर शरबत को पीने के बाद आपको यहाँ मिलूंगी मैं। वो तो नजर ही आ रहा है, सारी ताकत जबान को जो मिल गई है। उस्मान कहाँ है? यकीनन सो रहा होगा, आपका दिया हुआ शरबत जो पी लिया उसने। अच्छा, तभी नहीं उठ रहा था वो। अरे देख के चलो। माफ कीजिएगा। ओहो, देखा नहीं था मैंने। आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ मैं। ये
मुराद वो नकाब वाला आदमी। आपको कैसे पता? उसके इत्र की खुशबू से। तहसीन पाशा, तो क्या फैसला किया सुल्तान मुअज्जम ने? मेरे ख्याल से पहले उनकी खैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए आपको। रिवायत तो यही है हमारी। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हमारे सुल्तान सेहतियाब होकर पैरों पर खड़े हो जाएंगे अपने, इसलिए ये सवाल पूछने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अमरीकी सिफारतखाने का दर्जा बढ़ाने का फैसला किया गया है। आह पाशा, आह पाशा, आह, मेरे ख्याल से गलत फैसला किया गया है। आपको सवाल उठाने का हक नहीं है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पाशा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। अगर ये फैसला सबने मिलकर किया है तो यकीनन बेहतर होगा। महमूद, आप फिर कोई गुल खिला रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ सेनेहा, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं? सिर्फ अपने तजुर्बे से इन्हें फायदा पहुँचाना चाहता था मैं, लेकिन आपने देख लिया ना कि तहसीन पाशा कैसे गुस्सा दिखाकर चले गए। कसम से इसका अंजाम तबाही होगा, बहुत बड़ी तबाही। किस तबाही की बात कर रहे हैं आप? सेनेहा, नायब सिफारत खाने को सिफारत खाने का दर्जा देने का मतलब जानती हैं? रियासत उस्मानी अमरीकियों को बहुत से हुकूक देने के लिए मजबूर होगी, और फिर तेल के मसाइल भी हैं, उन जमीनों के साथ अमरीकी दर्जगाहें भी हैं। बहुत बुरा होगा सेनेहा, बहुत खतरनाक। सुल्तान मौसम की सहतियाबी के बाद आप हमारी गवाह रहिएगा। आप उस वक्त कहिएगा कि महमूद पाशा ने आपको खबरदार किया था। हथियार फेंक दो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। उसी तलवार से तुम्हें मार देना चाहिए था। तुम्हें उस तलवार को छूने पर पछताना पड़ेगा। हाँ, लानत है। गोलियां खत्म हो गई क्या? बेहतर है हथियार डाल दो, अब मैं उधार दे देता हूं। अमरीका से ताल्लुकात। शुमाली अफ्रीका रियासत उस्मानिया का हिस्सा था, जिसे मगरबी छत कहा जाता था। इसी दौरान अमरीका नामी एक नई रियासत का वजूद अमल में आया। वो बहिराए रूम में तजारत के ख्वाहिशमंद थे। इनके जहाज बगैर इजाजत बहिराए रूम में दाखिल हो गए। उस्मानी जहाजों ने इन्हें कब्जे में ले लिया। अफ्रीकी सदर ने अपने वफ्द को अमरीकियों से मुलाकात का हुक्म दे दिया और इनके दरमियान महसूलात की अदायगी का मुआहदा तय पाया। अमरीका ने 29 साल तक उस्मानिया रियासत को महसूल अदा किया। रियासत उस्मानिया में अमरीकी सफीर को नायब के दर्जे पर रखने की वजूहात और फवायद। या अल्लाह, विदार सुल्तान, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? हमें तहसीन पाशा को रोकना होगा, हमसे गलत फैसला हो गया है। हम आपको यही बताने आ रहे थे। महमूद अफंदी कह रहे थे अगर सिफारत खाने का दर्जा बढ़ा तो अमरीकी दर्जगाहों को मशरक इलाकों में अपनी जमीनों तक रसाई का मौका मिल जाएगा, और वो उनको तालीम के अलावा दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सफीर कहाँ है? इंतजारगाह में है पाशा। जाओ प्यारे तहसीन पाशा, जाओ अपनी तबाही की तरफ जाओ। अल्लाह
उठो उठो जल्दी आ जाओ आ जाओ। शहजादे, मेरे ख्याल से आपको मामले की संगीनी का एहसास हो गया है। मैं जानता हूं कि यह फैसला करना कोई आसान नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन रियासत के लिए यह बहुत अहम है। रियासती इदारे कमजोरी कबूल नहीं कर सकते। शहजादे, आपको यह कबूल कर लेना चाहिए, आपको अस्करी जिम्मेदारान से बात करनी होगी। यानी अल्लाह न करे कि सुल्तान मौसम के साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा। शहजादे, अगर आप राजी हैं तो तख्त नशीनी की तकरीब की तैयारियों का आगाज कर दिया जाए। रियासती इदारे वक्त जाया नहीं कर सकते। मौत बरहक है और विरासत की मुंतकली हलाल है। भाई, हमारे प्यारे भाई, हमारा खून, अगर आपको कुछ हो गया तो ये रियासत यतीम हो जाएगी। शहजादे, कुछ तो कहिए। या अल्लाह, हमें वक्त पे पहुंचा दे। सफीर अंदर मौजूद है? जी मौजूद है पाशा। सुल्तान
सुल्तान, क्या हुआ सुनिया सुल्तान? भाई को सांस नहीं आ रही। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तबीब को बुलाया आपने? बुलाया आपने तबीब को? सफीरा फंदी, भाई, भाई, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे सुल्तान, खैरियत तो है? मैं आपसे बाद में बात करूंगा। सुनिया सुल्तान, क्या हुआ? पाशा, भाई हमें छोड़कर चले गए। सुल्तान-ए-मौज़्ज़म, मलिका हमें देखने दीजिए। सुल्तान-ए-मौज़्ज़म, आप हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। मेरे सुल्तान, सुल्तान क्या हो गया है आपको? आंखें खोलिए। बेदार सुल्तान, मौलिज को अपना काम करने दीजिए, संभालिए, हमें हाथ मत लगाइए। बेदार सुल्तान, हौसला कीजिए, संभालिए खुद को, हिम्मत से काम लीजिए, इधर आइए। वो फिर भाग निकला। जख्मी है वो, यहीं कहीं छुपा होगा। आपने निशाना ठीक से लिया होता तो हम उससे जान छुड़ा चुके होते। आप शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे इल्जाम दे रहे हैं। अगर मैं ना होती तो वो आपको मार चुका होता। सांस आ गई है, सुल्तान मौज़्ज़म के साथ बहाल हो गई है। शुक्र है परवरदिगार का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। अब तो ये खतरे से बाहर है ना? बदकिस्मती से इनकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। हर तरह की खबर के लिए हमें तैयार रहना होगा सुल्ताना। अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमारे सुल्तान की सांसें लौटा दी उसने। इनकी हर सांस का मतलब है शिफा मिलना। इंशाअल्लाह हमारी रियासत और हमारे सुल्तान-ए-मौज़्ज़म हर दिन मजबूत होते जाएंगे। तहसीन पाशा, जाकर अमरीकी सफीर को बता दीजिए कि उनका हर मुतालबा मुस्तरद करते हैं हम। मलिका, मगर हम सुल्तान-ए-मौज़्ज़म को इस हालत में छोड़कर, सुल्तान-ए-मौज़्ज़म को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। जो कहा है वो कीजिए, हम हालत जंग में है इस वक्त। तहसीन पाशा, अगर जंग के दौरान आपका करीबी दोस्त जख्मी हो जाए तो क्या आप दोस्त के लिए जंग लड़ना छोड़ देंगे? जल्दी जाइए। जैसा आपका हुक्म मलिका। मेरे सुल्तान, बेचारे वासफी अफंदी काफी अफसुर्दा हो गए होंगे ना वो? फहीम, मैं आपको उनकी फिक्र है लेकिन हमारी नहीं। मुझे आपकी, कमालुद्दीन पाशा की और नाइमे की, आप सबकी ही बहुत फिक्र है बाजी। जल्द सबको ही ये बात मालूम हो जाएगी कि आपका और वासफिया फंदी का रिश्ता खत्म हो गया है और आप किसी और को पसंद करती हैं, फिर उसका नाम भी बताना होगा। आप बहुत मासूम हैं फहीमे। कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिसे वो पसंद करता हो वो किसी और से मोहब्बत करे। वासफिया फंदी खामोश रहेंगे, किसी को इस बात का इल्म नहीं होगा, परेशान ना हो आप। थक चुके हैं हम, बस अब और सख्त नहीं होगा हमसे। शहजादी खदीजा, हमने इत्तफाकन आपकी और वासफिया अफंदी की गुफ्तगू सुन ली थी।
उनसे कहा कि निस्बत तोड़ना चाहती हैं आप? जी हाँ, ये सच है कि हमारे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है। बहुत खूब, आप ही थी ना जो वासफी अफंदी से शादी के लिए इसी कमरे में बैठ के रो रही थी और गुस्से में बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई थी। जी हम ही थे, लेकिन अब आपको किसी और से मोहब्बत हो गई है। क्या हम पूछ सकते हैं वो कौन है जिससे आपको अचानक ऐसी मोहब्बत हो गई कि निस्बत तोड़ दी? पाशा, मैं आपको अपना इस्तीफा पेश करना चाहता हूं। मैं अपने एक पुराज़म और ईमानदार पाशा को हरगिज़ खोना नहीं चाहता वासफी अफंदी। क्या इसकी वजह जान सकता हूं? वो हम कैसे बताएं, बहुत मुश्किल है। असल में खदीजा सुल्तान से हमारी शादी मंसूख हो गई है, इसलिए इन हालात में हमारा महल में रहना मुनासिब नहीं होगा पाशा। खदीजा हम आपकी बहन जैसी है ना, यकीनन आप हमसे तो नहीं छुपाएंगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बताइए हमें, कौन है आखिर वो खुशनसीब? कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। क्या मतलब है? वासफी अफंदी जब महल में आए तो हमें उन्हें जानने का मौका नहीं मिला और हमें गलत फैसला कर बैठे, इसलिए हमने उनकी उम्मीद खत्म करने के लिए उनसे झूठ बोला। सच तो ये है कि हम किसी को भी पसंद नहीं करते। लड़कियों, आप ठीक तो है ना? हम तो ठीक हैं, लेकिन हमारे बाबा? हमारे बाबा ठीक तो है ना? नहीं मैं बेटी, तहसीन पाशा, मैं आपके जवाब का मुंतजर हूं। आप मुआवजा अदा करेंगे या फिर हमारे सिफारतखाने का दर्जा बढ़ाने को तरजीह देंगे? हमारी हुकूमत को आपके जवाब का इंतजार है। आपके दोनों मुतालबात मुस्तरद करती हैं। यह ऐलान जंग है पाशा। अगर आपको लगता है अमरीका दूर है और इसलिए आपसे जंग नहीं कर सकता तो आप गलती पर हैं। बिल्कुल नहीं। उस्मानी रियासत जानती है कि रोमी और आर्मेनी बाशिंदों की हिमायत हासिल है आपको। इसके साथ यूनान और बर्तानिया को भी जंग में शामिल करने का इरादा रखते हैं, लेकिन हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं। तुर्क सदियों से जंग लड़ते आ रहे हैं, यह आपकी आखिरी जंग होगी। इससे पहले जिन्होंने भी हमें यह धमकी दी है, तारीख गवाह है कि वो उनकी आखिरी जंग साबित हुई।
यही हमारा फैसला है। जाइए जाइए। जनाब, कारासू की भेजी गई दवाई असर दिखा रही है अपना। अब्दुल हमीद जल्द गुजर जाएगा। गालिब अफंदी। गालिब अफंदी? कौन है ये गालिब अफंदी? अगर तुम्हारी पेशकश मुस्तरद कर दी गई है तो जंग का ऐलान कर दो। उस्मानी सल्तनत की वाहिद उम्मीद आप हैं। अगर आपने उम्मीद खत्म कर दी, उस्मानी भी खत्म हो जाएंगे। अब्दुल हमीद का इंतकाल होने वाला है। उम्मीद है आपकी कैद भी जल्द खत्म हो जाएगी। सुल्ताना, आपने मेरी माँ के साथ नाइंसाफी की। तुम भी अपनी माँ की तरह बहस कर रही हो। महल से निकाल दो इसे।